जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 21 जून 2020 को होने वाला जो सूर्य ग्रहण है, उसके हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, और कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको करना चाहिए, जो बहुत सी चीज़ों से बचा सकती है, और बहुत सी जो चीज़ें हो सकती है, उन सभी पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। कमेंट्स में लिखिएगा जय श्री महाकाल, या जो भी अपने इष्ट देवी देवता है जिन पर आपका पूर्ण यकीन है, उनका नाम आप लिख दीजिएगा। एक और निवेदन है कि आपको यदि जीवन में कोई तकलीफ या कोई परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़कर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। शुल्क लागू है, नॉमिनल शुल्क है, ज़्यादा शुल्क नहीं है। आपको जो भी परेशानी, उसका हल आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण जो है। सबसे पहले तो जो सावधानी आपको पता ही होगी कि इस ग्रहण को हमें देखना नहीं है। दोस्तों, ये जो ग्रहण है ये 21 जून को लगेगा, और इस ग्रहण के बाद एक और ग्रहण 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा। तो अभी ये जो दो ग्रहण एक साथ होंगे, इससे पहले 5 को भी एक ग्रहण था, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं दिया। तो ओवरऑल हम अगर एक बात देखें तो 3 ग्रहण एक साथ है, लेकिन एक ग्रहण हमारे यहाँ दिखाई नहीं दिया। 2 ही ग्रहण हम मान्य करेंगे जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहे, खैर वो एक अलग बात है। तो इस ग्रहण के बाद चीज़ें जो हैं वो सामान्य होने लगेगी। जीवन में जो उथल पुथल अभी मची है, पूरे विश्व में जो उथल पुथल महामारी की वजह से मची है, और हमारे जीवन में भी बहुत सी चीज़ें उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गए, कोई आर्थिक रूप से टूट गए, कोई पारिवारिक रूप से, किसी के लिए अलग अलग समस्याएं खड़ी हो गई है जिसके बारे में हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी समस्या है, ये 5 जुलाई के बाद, याद रखिएगा, दिन याद रखिएगा, 5 जुलाई के बाद ये चीज़ें धीरे 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 सामान्य होगी, और जीवन जो है फिर से उसी तरह पटरी पे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हद तक है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि विश्व युद्ध होने की संभावना है, या ये संभावना है कि 2 ग्रहण आ रहे हैं, और ये चीज़ें जितनी भी बताई जा रही है कि युद्ध होने की संभावना है, ऐसा अभी नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। और प्रिडिक्ट से मेरा मतलब है कि ये सही नहीं है, ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है, 90% संभावना नहीं है। हाँ, 10% संभावना है कि हो सकता है, पर 90% में ये कह सकता हूँ कि होने का कोई चांसेस नहीं है। आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से ये ग्रहण के बाद भारत का युग होगा, और भारत के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें उभर कर सामने आएगी। तो ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण आपके लिए बहुत मंगलमय है, शुभ है। इसके बाद जो परिणाम होंगे, सब बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, और जीवन में एक सकारात्मकता, और जो चीज़ें भी रुकी हुई है, बहुत सी चीज़ें, वो सही होने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसलिए इस ग्रहण से बिल्कुल घबराए नहीं कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ चीज़ें जो हैं वो पटरी पर आएगी, और बेस्ट से बेस्ट होगा। आप आने वाला जो समय है वो आपका होगा, उसमें सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो यही बात है, इसे याद रखना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।